आदाब मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का डीटीवी 9 में खैर मकदम है। कारवान हलके असम्बली में इस्तेफादा कुनिंदगान में दलित बंधु स्कीम के तहत असासे जात की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो व हैदराबाद एम पी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज बतारीख 29 जुलाई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान एमएलए कौसर मोहियुद्दीन ने कारवान हलके के गुड्डी मलकापुर में महबूब फखरे महल में दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने वालों में कार्स और अशोक लीलैंड ट्रक समेत मुख्तलिफ असासे जात तकसीम किए। बाद अज़ां कारवान एमएलए कौसर मोहियुद्दीन के राम सिंह पुरे में दलित बंधु स्कीम के तहत हार्डवेयर शॉप का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कारवान एमएलए के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी वर्कर्स कॉरपोरेटर स्वामी यादव एरिया यूनिट के सदूर और सरगरम कारकुनान भी मौजूद थे। पेश है इस खसूस में डीटीवी 9 की एक खसूसी रिपोर्ट। जनाब नफरत मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मेरे ख़ास तौर से दलित बंधुओं के लिए आज पाँचवीं मरतबा हल्के कारवान के अंदर 5 कारों का इफ्तिताह अमल में आया और एक किराना शॉप का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। और मैं इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साबिका कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, स्वामी यादव कॉरपोरेटर कारवान और हल्के कारवान के मेरे कारवान जियागुड़ा बल्दी डिवीजन के सदर मुतमदीन एक्यू वर्कर्स को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हल्के कारवान के मेरे दलित भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और सेकंड फेज के लिए इंशाल्लाह दरख्वास्त तैयार है। जो हल्के कारवान जियागुड़ा हो या कारवान हो या लंगर हाउस के हो या नानागढ़ के जो भी है, उन तमाम की दरख्वास्त रही है। जैसे गवर्नमेंट का ऐलान होगा और उन तमाम दरख्वास्तों को सबमिट करने की और उन तमाम को सेकंड फेज के अंदर भी दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा।